वेलकम टू ऑटो शिफ्ट। ये है हुंडई की अल्काज़ार। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि क्या क्या अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हुंडई अल्काज़ार जो है वो थोड़ा सा कंपटीशन में लैग करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी चीज़ों के साथ। अच्छी चीज़ में सबसे पहले तो इसका जो डिज़ाइन आपको मिल जाता है वो कॉम्पिटिशन से ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। डिज़ाइन बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, चाहे आप फ्रंट ग्रिल की बात करो, आप साइड डिज़ाइन की बात करो, रेयर प्रोफाइल की बात करो, सारा जो डिज़ाइन आगे पीछे का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो इसमें अच्छी मिल जाती है, इसमें आपको इंजन ऑप्शन दो देखने को मिल जाते हैं, जो कि कंपटीशन में इतना ज़्यादा आपके पास चॉइसेस है नहीं इंजन ऑप्शन में। और ट्रांसमिशन ऑप्शन भी आपको दो मिल जाते हैं, जो कि है 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। इसके डीजल इंजन की मैं बात करूँ तो डीजल इंजन जो है वो माइलेज आपको मैनुअल ट्रांसमिशन 20 की दे देता है, 20 की MPL, जो कि कंपनी क्लेम है, बाकी रियल लाइफ में 14 से 15 का मिल जाएगा। ऑटोमेटिक भी आपको 18-19 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, तो उसमें भी आपको 13-14 का माइलेज इसमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो पेट्रोल इंजन है उसका माइलेज थोड़ा सा कम है। इंटीरियर की मैं बात करूँ, एक और चीज़ जो अच्छी है, बेस वेरिएंट से ही आपको सारी चीज़ें जो एडवांस फीचर्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो देखने को मिल जाती है, चाहे वो पैनोरामिक सनरूफ हो, चाहे आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट हो, चाहे आपको जो क्लस्टर है 7 इंच का वो आपको डिजिटल मिल जाता है। और फर्स्ट इन सेगमेंट्स आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पेडल लैंप्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर अगर राइट में आप करते हैं तो आपको एक क्लस्टर पे आपको कैमरा देखने को मिलता है, साइड व्यू देखने को मिलता है, 360 डिग्री व्यू आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गई आपकी सारी अच्छी चीज़ें। अब इसमें जो चीज़ें जहाँ पे हुंडई अल्काज़ार लैग करती है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इंजन की बात करूँ तो जो पेट्रोल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, साइलेंट स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो NVH लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बट उसमें जो आपको माइलेज मिलेगी, माइलेज बहुत ज़्यादा आपको इसमें कम देखने को मिलेगी, चाहे आप मैनुअल ट्रांसमिशन ले लो पेट्रोल में, चाहे ऑटोमेटिक ले लो। मैनुअल लोगे तो मैनुअल में कंपनी क्लेम 14-15 का करती है, बट जो अगर रियल लाइफ की बात करूँ तो 7-8 का आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक में आपको और जो माइलेज है वो कम हो जाएगा, जो कि इतना ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। दूसरी जो इसमें अच्छी चीज़ नहीं लगी वो है कि इसमें आपको जो डीजल इंजन मिलता है वो बहुत ज़्यादा अंडर पावर है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, जैसे अगर मैं इसकी डीजल इंजन 1.5 जो टर्बो डीजल है उसमें जो मैक्सिमम पावर मिलती है वो 115 PS की मिलती है, बाकी कंपटीशन में बात करूँ तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पावर देखने को मिल जाती है डीजल में। बाकी 7-seater होने के बावजूद भी अगर डीजल में इतनी कम पावर है तो आपको थोड़ा सा जो पावर है उसमें लैग देखने को मिलेगा, जो कि इस बड़ी MPV में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो तीसरी इसमें जो थर्ड रो आपको मिल जाती है उसमें आपको जो स्पेस मिलता है वो बच्चों के लिए ही है, एडल्ट के लिए नहीं है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप की बात करो तो लॉन्ग ट्रिप में आप थर्ड रो को यूज़ एडल्ट एज आ आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो बच्चे कंफर्टेबली उसमें बैठ पाएंगे, एडल्ट्स नहीं बैठ पाएंगे। कन्वीनियंस में भी जो आपको AC वेंट्स मिलते हैं थर्ड रो में वो हालांकि बेस वेरिएंट से मिलते हैं लेकिन जो उसकी पोजीशन है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है, तो अगर वो थोड़ा सा और ऊपर रहता तो वो ज़्यादा बेटर रहता ओवरऑल सफोकेशन की अगर मैं बात करूँ। जो थर्ड रो में सबसे ज़्यादा आपको इवन फुल साइज SUV में भी सफोकेशन आपको हो जाती है थर्ड रो में, तो ये तो फिर भी एक क्रॉसओवर MPV है, तो इसमें तो और ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस ही है वो 16 लाख से स्टार्ट होता है, जो कि एक और बड़ी चीज़ लगी, क्योंकि 16 लाख में अगर स्टार्टिंग प्राइस है तो आपको जो बेस मॉडल है वो भी आपको 20-21 लाख के अराउंड इसमें देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो यही था हमारी तरफ से इसकी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हुंडई अल्काज़ार की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।